विश्वविख्यात संत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने गुरु भाई के साथ देर रात्रि करीब 3 बजे मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पहुंचे। कुछ देर विश्राम करने के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने माता नर्मदा के दर्शन किए और करीब सुबह 8 बजे वे जबलपुर के लिए रवाना हो गए। बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाघाट में आयोजित 2 दिवसीय रामकथा के बाद मंडला होते हुए जबलपुर जा रहे थे। वे अपने काफिले के साथ मंडला में कुछ देर विश्राम के लिए रुके और सुबह जबलपुर के लिए रवाना हो गए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अब 25 जून से गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वे 3 बड़े शहरों में कथाओं का आयोजन करेंगे। मंडला में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पहुंचने पर स्थानीय भक्तों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।